बताऊँ तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इंडिया से। उसके अलावा ना एक चीज काफी इटली की फेमस हो गई है वो आपकी फ्रेंड बिल्डिंग्स। हाँ, इटली में <laughs> <laughs> प्रेसिडेंट मेलोनी नाम है चाहता ना। ना। उनकी पत्नी लोग इतना जोड़ी बना दी है। फिर एंड में जब बिल आया, twenty euros ईच सोलह सौ रुपए सबको देने मैंने बोला यार मैंने तो बस पानी पिया मैंने तो स्वीट भी भी नहीं नहीं खाया मैंने ड्रिंक भी नहीं किया <laughs> क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब सचिन थैंक यू सो मच शो पे बुलाने के लिए <laughs> <भी>. <laughs> thank you, thank you. आने के लिए रहे uh, बहुत आगे बढ़ रहा था थोड़ा, 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 थोड़ा। हो पाए तो मेरा आप फिर यहाँ पे कहाँ से हो इंडिया में कहाँ से हो आप uh, मैं मोहाली मेरा बर्थ प्लेस एक्चुअली है झारखंड हज़ारीबाग बट uh, मैंने मोस्टली स्टडी जॉब वर्क मैंने अलग अलग प्लेसेस पे किया लाइक like, अलग अलग स्टेट्स में किया है मैं एमपी में काफ़ी टाइम रही हूँ इंदौर में भोपाल में जबलपुर में एंड फिर आफकॉर्स मोहाली में uh, मेरी फैमिली अभी वहाँ पे ही है मोहाली में अच्छा ओके okay, ओके okay. उसके बाद कट इटली का प्लान कैसे बन गया का प्लान इसलिए बना मैं तो मैं, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इंडिया से कि uh, like मैंने बहुत अलग अलग, अलग, अलग एरियाज में जॉब किया मैंने खुद का एक बिजनेस भी ओपन किया था then, uh, मैंने यूनिवर्सिटी uh, में जॉब किया जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी में जॉब करना एक रियल स्टेट कंपनी में भी जॉब किया

बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी एजुकेशन के लिए आती हूँ। आई मीन पीएचडी भी एक एजुकेशन है बट इटली में मोस्टली या फॉरेन कंट्रीज में पीएचडी इज मोर टुवर्ड्स लाइक वर्क ओके ओके ओके। ठीक है तो कब गए थे आप इटली मतलब कौन से ईयर में uh, 2017 एंड लाइक नवंबर से पहले बेसिकली हाँ, हाँ, कोरोना से पहले ओके okay, ओके okay.

तो सबसे पहले तो तेल बहुत महंगे हो गए थे और लिटरली लाइक ऑलिव ऑयल तो डबल ही हो गया है यहाँ पे ऑलमोस्ट रेट उसका तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हमें हुई है तो ऑयल प्राइस को लेकर के हुई है रेस्ट uh, बाकी चीज़ें भी एक्सपेंसि एक्सपेंसिव हुई हैं बट uh, कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है बेसिकली एक्सपेंस के मामले में और बाकी चेंजेस देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगे ऑनलाइन क्लासेज यूज़ करने लगे तो आपके पास मतलब देखो एक ही बेनिफिट है कि

उस समय तो यूरोप में तो काफी और भी जैसे जर्मनी भी जाते हैं लोग देन यूके हो गया और मतलब तो काफी सारे है ना एक्सप्लोर है देन यूरोप के बाहर फिर यहाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अब तो इंडियन हर जगह हाँ। तो इटली ही क्यों है <laughs> ना मैं सही बताऊँ तो एक जो मेंटालिटी रहती है ना मोस्टली इंडियंस की या जो भी एशियन स्टूडेंट्स उनकी मैंटेलिटी रहती है कि फॉरेन बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली है ना तो मैंने तो सोचा ही नहीं कि अच्छा मैं यूके भी जा सकती हूँ यूएस भी जा सकती हूँ तो मैंने तो उसको टारगेट में ही नहीं रखा था बेसिकली तो कभी सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में मेरे पास दो तीन कंट्री के ऑप्शंस थे फिर उसमें से मैंने इटली फाइनली चूज़ किया था कि चलो फैशन कंट्री है और बस वो बातें बातें सुन करके इटली चूज़ कर लिया था ऐसा कोई बहुत स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं था यार एक मुझे बड़ा पूछना था इटली में ऐसा क्या है कि मतलब इंडियन सेलिब्रिटीज जो भी है वो इटली प्रेफर करते हैं वेडिंग के लिए उनकी <laughs> तो मतलब ऐसा वो उनका वेडिंग डेस्टिनेशन क्यों बन चुका है इटली इतना वैसा सुंदर था के लिए, हा, उसके हा, लिए। हा, हा। आई थिंक सुंदरता सुंदरता काफी है इटली में मतलब नेचुरली इतनी सुंदर है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह भी है वो हार्डली कहीं अगर मुझे नया कंस्ट्रक्शन मिल जाता है ना तो मुझे लगता है मैं तो इंडिया में चंडीगढ़ में आ गई हूँ नए कंस्ट्रक्शन घर देखती हूँ तो मोस्टली सब पुराने घर रहते हैं उनको ये लोग रिनोवेट रिनोवेट करते रहते हैं तो वो पूरा एम्बियंस वैसा ही है सिटी का माहौल है फिर

में जब वो जाए ना प्लान करे स्टडी वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें कितना उसका खर्चा वगैरह आ जाएगा और एजुकेशन वगैरह उस परस्पेक्टिव से देखें तो इटली सही है मतलब एजुकेशन और अगर वो एजुकेशन वहाँ से करता है उसके बाद जॉब वगैरह भी मिल जाती है पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी एक्सपेंसेस के मामले में देखें तो कुछ भी नहीं है सच है ना जैसा अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए हमारा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा आठ लाख नौ लाख रुपए लगेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लाइक like, अगर आप टोटल पूरा जो प्रोसेस होता है उसकी बात करो या फर्स्ट मंथ की अकोमोडेशन बुक कर लो या फ्लाइट टिकट्स पूरा इंक्लूड करो तो टू लैक्स टू पॉइंट फाइव लैक्स आपके लगेंगे मैक्सिमम इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फीस डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग फ्लाइट टिकट्स एंड फॉर वन मंथ एकोमोडेशन ये आपका लगेगा उससे ज़्यादा नहीं लगेगा और अच्छी चीज़ ये है इटली में कि ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो पैसे वैसे ले करके इधर उधर से थोड़ा बहुत करके पीजा हमें बच्चे दिखा देते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं है ना तो वो चीज़ है इनफैक्ट ये भी है पता है आ, लोन का एक है कि अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक्स में मैंने आ, मैं भी गई थी जब मैं इंडिया में थी लोन के लिए तो कितने का लोन चाहिए मैंने बोला कुछ ज़्यादा अमाउंट का नहीं चाहिए लेस देन लाइक सेवन लाख अरे तो फॉरन जा रही हो सात लाख मतलब सात पाँच लाख छः लाख में क्या होगा फॉरन जाने के लिए 15, 16, 18 लाख लेते मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को बोलते नहीं उतना ही लेना पड़ेगा <laughs> तो मेरे को लगा यार क्या जबरदस्ती है क्या मुझे तल जब फीस ही नहीं है मेरी इतनी तो मैं कहाँ से आपको इतना सात आठ का फीस ला करके देता <laughs> तो अच्छा ये, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी हाँ हाँ तो अच्छा तो अगर टोटल कंबाइंड खर्चा देखे फीस भी जो फर्स्ट सेम की मिला के देन जितना वगैरह सब कुछ मिला के ओके। फीस, तो कितने में फीस ना स्टूडेंट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही देनी पड़ती है, जब, जब student, uh, मतलब enrollment करता है तो यहाँ पे एक लाख दो लाख है हार्डली आपको चौबीस पच्चीस हजार रूपए देने होते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए उसके बाद जब फिर आप यहाँ आते हो तो जो भी आपका फीस बना एवरेज फीस होती है ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूरोज लगभग लाइक ढाई लाख रुपए तो ढाई लाख रुपए एक साल की फीस है और वो आप तीन चार इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हो आराम से लेकिन इटली का जो बेस्ट लगता है मुझे ना मतलब जो बेस्ट चीज़ लगती है कि स्टूडेंट यहाँ पे पे कर सकता है उस उनकी इनकम के बेसिस पे उनके और उनके फैमिली मेम्बर्स की इनकम पे तो मोस्टली जो एशियन कंट्री है जो इंडिया के भी है लोग मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होगी जिसकी सालाना इनकम जो होगी वो पंद्रह लाख बीस लाख या पच्चीस तीस लाख होगी है ना तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो

हाँ हां आराम हाँ, से फिर तो सही है देन उसके अलावा जब उसके साथ-साथ जॉब कर सकता है वो पार्ट टाइम वगैरह हाँ पार्ट टाइम तो जैसे जैसे मोस्टली कंट्रीज में है कि बीस घंटे आप वीक के कर सकते हो एज़ अ स्टूडेंट ओके गाइस और पर आवर वेज क्या होता है मतलब अर्ली वेज होता है कैसे होता है पर आवर पे ना इटली कुछ मतलब चार जो ऐसी कंट्री है यूरोप यूओ यूर, यूरो में जहां पे मिनिमम वेज का सिस्टम नहीं है कि बाय लॉ

तो उसी में आते हैं। तो तो उसी आते मिल जाएगी फुल टाइम उसको है जॉब जॉब मिल सकती मिल जाएगी लाइक आई टी फील्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वैसे मेरा ये मानना है कि जॉब हर फील्ड में होती है लाइक हर हर स्कोप फील्ड में होता है किसी फील्ड में ज्यादा कंपटीशन होता है किसी फील्ड में कम होता है देन डिपेंड करता है आपके अंदर क्या स्किल है अगर आप नॉन टेक्निकल में भी जाना चाहते हो लाइक नॉन आई फील्ड में भी जाना चाहते हो लेकिन सपोज आपकी टैलेंट बहुत अच्छी है आप लाइक आपके ओके आपने मास्टर्स में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आ गए आप

Uh, काफ़ी कंपनीज का बेस है फ्लोरेंस में तुरीन भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से वहाँ पे जॉब्स मिलना बेटर रहेगा और काफ़ी बड़ी सिटी भी है एंड बोलोनिया uh, में भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं मल्टीनेशनल uh, कंपनीज के भी ऑफिस हैं तो तीन सिटीज़ हैं ओके देन इसके अलावा अब लास्ट पे आते हैं मतलब सपोज करो स्टूडेंट ने अभी एजुकेशन कर ली जॉब भी लग गया देन अभी पीआर या फिर रेजिडेंसी कोई भी उसके बाद सिटीजनशिप हुआ तो वो कैसे मिलती है उसे पे और मिलना इजी है या कंपटीशन है क्या है इजी मिलना है ना बेस्ट चीज यही लगती है मुझे इटली की कि चीजें लेट होती है इटली में क्योंकि क्यों ब्यूरोक्रेसी है बट हो जाती है लाइक इतना कोई परेशान नहीं करते यहाँ पे स्टूडेंट्स को तो सिस्टम ये है कि आपने सपोज तीन साल की अपनी पढ़ाई सॉरी टू इयर्स की मास्टर्स आपने फिनिश की अपनी उसके बाद आपको एक साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है आप जॉब सर्च करते हो आपको जॉब मिलती है और आप जॉब करते हो आप like 18 months, आप लाइक मंथ्स कुछ टैक्स करते हो एंड जब आपका फिनिश होता है इंक्लूडिंग योर स्टडी पीरियड लाइक मास्टर्स एंड आपने जॉब किया या जो भी आपने किया टोटल फाइव इयर्स आपके फिनिश होने चाहिए उसके बाद आप पी के लिए अप्लाई कर सकते हो Then, उसके अलावा की फेमस प्राइम मिनिस्टर <laughs> प्रेसिडेंट मेलोनी नाम है शायद ना उनकी पता नहीं, नहीं। लोग जोड़ी बना दी है इनकी और अमेर प्राइम की तो वहां पे आते हैं ऐसे मीम मतलब जो भी चल रहा है नहीं 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 यहाँ पे नहीं मतलब मैंने दिखाया अपनी फ्रेंड्स को इटालियन फ्रेंड्स को अब वो मीम्स ऑब्वियसली वो बहुत हंसे लेकिन आई थिंक हर कंट्री का एक ह्यूमर जो होता है वो थोड़ा अलग लेवल का होता है यहाँ पे उस टाइप का नहीं

हर जगह इंडियन हर जगह लेकिन काफी अच्छा प्राउड काफी प्राउड फील होता है ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन जब आप अपना देखते हो द वे इंडिया इज ग्रोइंग एंड जिस तरह से इंडिया लाइक uh, न्यूज like आती है ये हो गया वो हो गया तो ऑफ कोर्स दूसरे कंट्री के भी लोग देखते हैं इकोनॉमी एंड एवरीथिंग सो अच्छा फील होता है प्राउड फील होता है खैर हाँ। <laughs> <laughs> मतलब और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ये सेफ्टी वगैरह कैसी है Uh, students होते हैं ना और कई मतलब females भी आएंगी पे तो रात में भी होती होती है होती है है तो है कई बार ना होता तो क्या अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी की क्योंकि मैं भी जैसे कई बार रात को लेट आती हूँ तो अकेले आ जाती हूँ कई बार कुछ फ्रेंड्स होते तो वो ड्रॉप कर देते हैं बट कई बार अकेले आ गई हूँ इतने से यहाँ पे रह, रह रही हूँ इटली में तो कभी मुझे know, <laughs> है न, कोई नहीं आता तो वो फिर उन चीजों का फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा hmm. है। और इसके अलावा आज कल ना वो भी चल रहा है तो

ड्रग्स uh, को लेकर के और स्टेटमेंट भी दिया है जैसे यूएस ने स्टेटमेंट दिया था कि uh, उनके यहाँ बहुत क्राइसिस है बिकॉज ऑफ लाइक द ड्रग्स जो अभी नई मार्केट में सर्कुलेट हो रही है uh, इटली में तो ऐसा कोई ऐसा कोई डेंजरस ड्रग्स की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि ऐसा कोई चल रहा है यहाँ पे ज़्यादातर आई थिंक वीड वीट तो जैसे लीगल भी है एक अगर आप सर्टन उसमें रेशियो में लेते हो तो शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप बाई uh, कर सकते हो तो

कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं और एक होते हैं जो आ, दूसरे लोगों से भी ज़्यादा मिंगल अप होते हैं उनके साथ भी रहते हैं और कुछ ऐसे भी इंडियंस होंगे जो साइंड इंडियंस के साथ ही नहीं रहना पसंद करें या उनसे बात ही नहीं करना पसंद करे दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा बात करें बहुत ज़्यादा करें तो मुझे लगता है सभी कैटेगरी के हैं जैसा जो खुद इंडिया से होके मतलब जैसा जो खुद है इंडिया में पर्सन एज अ पर्सन अब यहाँ के ऑल ऑफ सडन तो कोई नहीं बदल जाएगा तो वो अपना नेचर लेकर के आते हैं इंडिया से और कई लोग हैं जो वैसे ही रहते हैं और कई लोग हैं जो चेंज हो जाते हैं अब मेरी अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा मेरी को इंडियन बहुत कोई इंडियन लड़कियों से दोस्ती नहीं लगी बहुत ज़्यादा कोई अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं है तो मे बी शायद थोड़ी शाई भी होती हैं कई लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हैं कुछ कुछ लोग जो आते हैं यहाँ पे तो आई डोंट नो क्या बोला जाए इस चीज़ पे और थोड़ा ना ये लोग मतलब आई डोंट नो ग्रुप कम्युनिटी बनाते हैं जैसे मेरे से भी ना पेरेंट्स बात करते हैं या स्टूडेंट्स बात करते हैं उनका ये क्वेश्चन रहता है कि इंडियंस मिल जाएंगे क्या यहाँ पे अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी क्या यहाँ पे तो लिटरली बैक ऑफ द माइंड मेरा यही मन करता है तो आप फिर क्यों आ रहे हो फॉरन आप इंडिया में ही रहो ना आपको अगर अपनी कम्युनिटी देखनी है तो तो आई थिंक इतना तो उनको पता ही है कि यार इंडियंस तो है ही हर कंट्री में तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले पूरे आइलैंड में अकेले इंडियन ना कोई नहीं होगा आस पास है ना तो होंगे ज़रूरी लेकिन अब एक कम्युनिटी ढूंढना और फिर वहाँ पर रहना उनके साथ ही तो फिर आप क्या नई चीज़ सीखोगे क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब अब्रॉड आते हो तो सिर्फ आप स्टडी एक्सपीरियंस के लिए नहीं आते हो आप लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो बिकॉज आप यहाँ पे दो साल तीन साल चार साल रहोगे तो चार साल कैसे पढ़ाई करके जाओगे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे right. है ना बहुत सारा दूसरे कल्चर के बारे में जानोगे नॉलेज लोगे उनके फूड एंड बिहेवियर्स सोशल कैसे रहते हैं सोसाइटी में सो so, आई थिंक अगर बाहर नहीं निकलोगे लोगों से नहीं मिलोगे तो ये सब चीज़ें कैसे सीखोगे hmm. ये तो है इसके अलावा क्या क्वेरी आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा कि स्कॉलरशिप से टाइप का क्वेश्चन अच्छा हां राइट स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिला स्कालरशि काफ़ी अवेलेबल हैं इटली में लाइक मेरिट वगैरह भी हैं गवर्नमेंट भी देती है फिर एक रीजनल स्कॉलरशिप है जिसको लोग फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप बोलते हैं वो देखा होगा शायद आई डोंट नो तुमने भी थम ने इस इटालियन गवर्नमेंट दे रही है सत्ताईस लाख आ सत्ताईस लाख आ जाओ इटालियन गवर्नमेंट दे रही है तीस लाख आ जाओ तो पहली बात तो इटालियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है तीस लाख सत्ताईस लाख ये स्टेट देती है यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी स्कॉलरशिप्स देती है स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है उनको और कोई भी सत्ताईस अट्ठाईस लाख नहीं दे रहा मोस्टली सालाना जो मिलती है आपको वो छः लाख सात लाख के बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें से आपको एकोमोडेशन का पैसा देना पड़ता है जो कि दस हज़ार पंद्रह हज़ार होता है पर मंथ का अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो फूड आपको एक टाइम का okay. फ्री मिल जाएगा या फिर मे बी आपको सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये एक टाइम के खाने का देना पड़ेगा लेकिन सत्ताईस अट्ठाईस लाख नहीं मिलती है और फिर ये भी जो स्कॉलरशिप होती है इसको आपको हर साल आ, क्या कहते हैं रिन्यू कराना पड़ता है तो आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे पास करना पड़ेगा और फिर ये स्कॉलरशिप जो रिन्यू होगी तो okay. है मिल जाता है कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि इनकम बेस मुझे नहीं लगता कि इटली की जैसी और कोई कंट्री है जो कि इनकम बेस स्कॉलरशिप दे रही है स्टूडेंट्स को भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इक्वली रख करके इटालियन स्टूडेंट्स से तो क्या बहुत अच्छी चीज़ है ये जो इटालियन गवर्नमेंट कर रही है और ऐसा नहीं कि दो चार स्कॉलरशिप दे रही हज़ारों में स्कॉलरशिप्स देती हैं हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट लेते हैं और मोस्टली इंडियंस को मिली जाती है स्कॉलरशिप क्योंकि हमारा इनकम कम रेंज जो है कोई बहुत

तो फिर उनको लगता है कि हम यहाँ आ जाएं फिर एक लड़की से बात हुई थी कनाडा में वो पढ़ रही थी और उसको वहाँ का एजुकेशन नहीं अच्छा लगा क्या पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा है। रहे हैं और एम मे बी आई आई डोंट नो सो उसका कहना था कि थिंक कहीं भी कोई खुश नहीं है मुझे लगता है, आ, वो भी है तो जिसको जहाँ पे लग रहा होता है फिर यहाँ है वहाँ जाओ तो वहाँ नहीं अच्छा है तो कई लोग का होता है इन जनरल एक बार कोई चीज़ मुझे इसके अलावा जब मैं सबसे पहले आप गए अपने कल्चरल डिफरेंस देखा या नोटिस किया और इंडिया में ये तो अलग था और कुछ भी हो सकता है देन जैसे मेरे को मैं एक एग्जाम्पल दूंगा स्वीडन में मतलब मुझे पता लगा था कि मतलब ऐसे अजीब सा कल्चर था कि वैसे बॉय जो जहाँ पे शार लेते हैं जब कट्ठे सारे तो मतलब ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहनता वहाँ और ग्रुप में ही <laughs> तो ऐसा उन्होंने बताया था मुझे कि वो कह रहे यार इतना कल्चर डिफरेंस का इतना क्या हो गया मॉडर्न तो ऐसा बताया था और

तो वहाँ पे तो सब ऑफकॉर्स हाथ में लाइक नहाना बिना कपड़ों के सब नहाते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ऐसा कुछ नहीं कि रन जान लोगों के सामने मैं नेकेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो ये चीज़ मुझे लगी थी थोड़ी उसके बाद हाँ अब एक चीज़ मैं बताती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है लैंड के बारे में है ना अब जैसे आप मेरे यहाँ लैंड को आना है तो वो मुझे कॉल करेंगी या मैसेज करेंगी और पूछेंगी कि तुम इस दिन अवेलेबल हो इस टाइम पे अवेलेबल हो मैं इस टाइम पे घर आना चाहती हूँ किसी को घर दिखाना है या जो भी करना है तो लाइक लिटरली बकायदा अपॉइंटमेंट ले करके आते हैं पे लोग है ना घर दिखाने के लिए किसी को भी दिखाना होता है तो मतलब मैंने तो कभी ऐसा इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं किया इंडिया में मैं तो एट अकेले रही हूं, अलग अलग मैंने घर चेंज किया है कभी भी लैंड लोड आ जाता था धक 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 दरवाजे से खोलो दरवाजा उनको लगता है मेरा घर है रेंट पे दिया तो क्या हुआ मेरा घर है कभी भी आऊंगा कभी भी जाऊंगा है ना ये रहता है पर पे काफी लाइक प्राइवेसी देते हैं आपको वो चीज़ का बहुत अच्छा लगता है मुझे वो चीज़ मुझे कभी भी इंडिया में फील नहीं हुई जैसे कि जब आप घर देखने जाते हो पता नहीं क्यों सब चीज़ें घरों से जुड़ी है जब आप घर देखने जाते हो तो क्या होता है कि घर देखने जाते हैं फिर वो आ, बोलते कि अच्छा ये कमरा है वो कमरा है ना तो पूछेंगे आपसे कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है आ, ओके ठीक है तो फिर ना हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस है तो कभी भी अगर आना हो तो यू नो ही कैन स्टे और शी कैन स्टे तो मतलब इतना ओपनली इतने अच्छे से बात करते हैं और ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलते कि नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो <laughs> है ना तो आई थिंक ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओपन है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं मैं पहली पहली बार जब यहाँ पे आई तो मेरा एक पहला जो फ्रेंड बना इटालियन फ्रेंड बना और उसका बर्थडे था तो उसने मुझे बर्थडे पे इनवाइट किया अब यूजुअली क्या होता है हमारे बर्थडे पे कि हम कुछ लेकर के जाते हैं ना किसी के लिए गिफ्ट जाते हैं तो उसने कहा कि मे एक ना मेरे मेरा बर्थडे और हम डिनर कर रहे हैं तो तुम तो फिर तुम तो तो इनवाइटेड हो तुम तो आ जाओ मैंने बोला यार कितनी अच्छी बात है मैं जा रही पहली बार ऐसे यू you नो know, बर्थडे में तो मैंने एक लाइक like, वाइन की बॉटल ली क्योंकि लाइक like, यूजुअली मैंने पूछा कुछ लोगों से कि क्या लेके जाते हैं तो मैंने एक बुके लिया और एक मैंने वाइन की बॉटल ली उसके बाद हमने खाना वाना खाया मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मेरे को लग रहा था यार कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऑलरेडी चौदह पंद्रह लोग थे तो मेरे को लगा यार सबके पैसे वो देगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा तो पिज़्ज़ा में भी मैंने क्योंकि हम पिज्जेरिया में गए थे जहाँ पे आप पिज़्ज़ा खाना है तो आप पिज्जेरिया में जाते हो तो मैंने बहुत सिंपल सा मार्गरीता यानी टोमेटो और चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मैंने कुछ स्वीट ऑर्डर नहीं किया पानी सिर्फ ऑर्डर किया मैंने ड्रिंक्स में भी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया फिर एंड में जब बिल आया ट्वेंटी यूरोज ईच <laughs> सोलह सौ रुपए सबको को देने मैंने बोला यार मैंने तो बस पानी पिया मैंने तो ड्रिंक भी नहीं किया कि यार क्या है? मतलब आपका, आप कर पैसे मुझे दे रहे हैं और वो भी मैंने जो नहीं खाया उसके भी पैसे देने <laughs> तो ये सच में बहुत ही मुझे शॉकिंग चीज एक लगी थी यहाँ पे फिर तो मतलब कोई भी पार्टी दे सकता है क्योंकि पैसा सबने देने पर फिर मैंने अदर साइड में देखा कि ये चीज अच्छी भी है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लाइक अमीर नहीं है कि बहुत कोई हर किसी को नहीं खिला हाँ, सकता एटलीस्ट वो भी बर्थडे सेलिब्रेट हाँ, कर सकता या कर सकती है तो अगर अदर साइड देखें तो अच्छी बात भी है ये न, इंडिया में कभी होएगा नहीं ये हो ही नहीं सकता मान ही नहीं सकता और स्पेशली लड़कों में नहीं हो सकता कभी ये कि भैया हां पार्टी है हां ठीक है तो पैसे जरा भाग यहां से तो

तो एक लाइक कॉन्सेशन है लेकिन बुरी चीज है कि मैंने ना एक्स्ट्रा कपड़ों में साड़ी फेंक डाली मैं बोला क्या साड़ी का इतनी स्पेस ले रही है तो मैंने फेंक डाली उसके बाद फिर मैंने ये बात लैंड लॉर्ड को बताई इटालियन लैंड को तो उसने कहा अरे क्यों फेंक दिया मुझे तुम गिफ्ट कर देती मैंने बोला गिफ्ट कर दी थी पर वो तो मैंने पहना हुआ था वो कोई नया नहीं था तो बोलती नहीं 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 चलता है यहाँ पे तो पहने हुए भी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो और जब जब बेबी बॉर्न होता है ना यहाँ पे तो सारे रिश्तेदार ना कपड़े भेजते हैं तो मेरे को लगा यार क्या बात है भर भर के सुटके कपड़े आ रहे कितना प्यार है इनके रिश्तेदारों में तो मुझे पता चला फिर तो पहने हुए उनके बच्चों के पहने हुए कपड़े हैं जो ये भेज रहे हैं इन लोगों को तो यहाँ पे बहुत ओ, ही एक चीज कॉमन है कि कपड़े शेयर करना और एज अ गिफ्ट देना दे। आपके पास जो चीज है आप यूज की हो फिर भी आप उसको ऐसा गिफ्ट दे सकते हो हाँ, ये नहीं होता पे तो इतने में तो यहाँ तो वो मिठाई का डब्बी भी ऐसे घूम के चला गया है ना फिर उसमें <laughs> yeah, nice. Then... मतलब मजाकिया मतलब है और मतलब um, बहुत अच्छी यहाँ की दादी दादी भी बहुत अच्छी होती हैं कोई कोई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी वो लोग भी और यहाँ पे पता नहीं मुझे समझ में आता है कि इटालियन लाइक थोड़ा ऑब्सेशन है टू um, क्या कहते हैं उसको गर्लफ्रेंड्स लाइक कपल्स लाइक कि अच्छा ये तुम्हारा गर्ल बॉयफ्रेंड है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मतलब उनको बुरा लगता है अगर यू नो आपको कोई पार्टनर नहीं है तो वो थोड़ा सॉरी फील करता है कॉमन कल्चर हो गया काफी मतलब रिलेशनशिप में रहती है। आगे। okay. आगे। थीक है। थीक है ओके ठीक ठीक फिर आपने यहाँ पे बताया फिर ये चीज़ घर नहीं, नहीं, हमारे यहाँ <laughs> <laughs> खैर हाँ ये बताओ कि इटली में इटली के लोग कैसे कैसे होते हैं मतलब आपकी जो फ्रेंड्स भी है तो बेसिकली क्या कैसे लोग कैसे होते हैं या बिहेवियर उनका या फिर कल्चर वगैरह कुछ भी काफी ओपन होते हैं ओपन टू न्यू पीपल ओपन टू न्यू थिंग्स न्यू कल्चर्स न्यू फूड रिसीवर होते हैं बहुत ज्यादा आप अगर उनसे बात कर रहे हो तो वो काफी इंटरेस्ट लेके आपकी बातें सुनेंगे आपकी कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे आपसे डिस्कशन करेंगे आपसे बातें करेंगे Uh, मैंने कभी ये चीज़ देखी है कि जैसे कुछ इंडियंस होते हैं उनको इन्हें तक अपना ही बताने में लगा रहता है कि हमारे यहाँ ये फूड है हमारे यहाँ ये कल्चर है हमारा ठीक है हमारे यहाँ है हम प्राउड है उस चीज़ के लिए लेकिन <laughs> कोशिश करो कि जब आप किसी के सामने बैठते हो तो आप उससे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो कि उनका कल्चर क्या है वो क्या करते हैं मैरिज में हमारे यहाँ ठीक है चार दिन की पाँच दिन की पंद्रह दिन की मैरिज होती है लेकिन जानने की कोशिश करो और उनका भी क्या होता है तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे इटालियंस की सीखने की आदत होती है काफ़ी ओपन होते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं मजाकिया होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं यार कोई ऐसे जालसाज टाइप के लोग नहीं होते हैं तो मैं तो बहुत ही लाइक like, किस्मत वाली हूँ कह लो कि मेरे को इतनी अच्छी मेरे फ्लैटमेट्स हैं लाइक uh, फ्रेंड्स like की तरह लाइक काइंड ऑफ सिस्टर्स की तरह जो कि मुझे आई डोंट थिंक सो उतनी ज़्यादा कोई फीलिंग पहले कभी और हो सकता है इंडियन लड़की हो उसके साथ कभी कोई आई हो इतनी क्लोजनेस और इतनी ओपननेस कि आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो लेकिन होती है ना कि नैरो माइंडेड थिंकिंग जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसे कुछ ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जो लोग काफ़ी बोलने से पहले सोचते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो जैसे पीरियड्स हो गया या फिर सेक्स रिलेटेड बातें हो गई बहुत सोचते हैं कि ये बात मैं बोलूँ

और जब मैं मतलब इटालियन फ्लैटमेट्स के साथ रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार पास्ता के अलावा भी बहुत सारे डिशेस हैं जो इटालियंस बनाते हैं जैसे वो होता है ना पम्पकिन के साथ काफ़ी डिशेस बनाते हैं ये लोग इनका इनका भी काफ़ी फूड में है इनोवेशन लेकिन वो एक स्टीरियो टाइप बना हुआ है कि इटालियन पिज्ज़ा और पास्ता खाते हैं वो चीज़ जैसे एक इनकी डिश है कार्बोनारा वो स्पगेटी से बनती है वो जो नूडल्स होते हैं उससे वो मुझे काफ़ी पसंद आता है और फिर इनकी एक डिश है जिसको कहते हैं लजानिया आई थिंक पता ही होगा तो मे बी वो इंडिया में भी काफ़ी यूज़ करते हैं ये टर्म लजानिया की लेयर्स ऑफ उसमें वो होती है चीज़ की या वेजिटेबल्स डाल लो और फिर उसमें वो शीट्स होती हैं लाइक वीट की या जो भी ब्रेड की और अवन में बनाते हैं तो काफ़ी डिलीशियस है ये भी मेरा भी फेवरेट डिश है तो और चीज़ खाते हैं फ्रेश ब्रेड्स खाते हैं फ्रेश तो फ्रूट uh, हमेशा खाएंगे इटालियंस खाना खाने के बाद हमे हमेशा लाइक हमेशा 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 खाना खाने के बाद और ये ना खाने को लेके बहुत पार्टिकुलर लाइक जैसे मैंने बताया ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत पार्टिकुलर है कि अगर कॉफी लाइक बाद में पीनी तो बाद में पीनी है स्वीट पहले नहीं खाएंगे अगर आप पहले खाओगे तो वो देखेंगे कि ना पहले क्यों खा रहे हैं स्वीट तो कुछ चीज़ों को लेकर पार्टिकुलर है तो स्वीट का मतलब ये खाने के बाद आइसक्रीम मतलब खाने के बाद ये नहीं कभी भी मन कर गया तो खा लिया उठा के फ्रिज से आइसक्रीम या मीठा तो कुछ रिचुअल्स हैं खाने के ये लोग जो फॉलो करते हैं उस चीज को और ये तो पता ही होगा तुम्हें कि बारह बजे के बाद कपूचिनो नहीं बारह बजे के पहले ही है कपोचिनो क्योंकि वो हैवी होता है क्योंकि उसमें मिल्क भी होती है काफी ज्यादा तो वो बारह बजे के पहले है। तो ये कुछ ऐसे है इनके खाने के रिचुअल्स ये नहीं पता था, नहीं। नहीं। नहीं पता था नहीं। वाला अच्छा हाँ ये है इनका बारह बजे के पहले ऑर्डर करना होता है तो इनका अलग अलग टाइप की कॉफी है अलग अलग टाइम पे पीते हैं अलग अलग अच्छा। टाइप की कॉफी इनके अलग अलग टाइप सुबह की अलग होगी दोपहर की या या शाम की या, की रात और फिर अल्कोहल भी इनकी एक एक टाइप की होती है जैसे हमारे यहाँ सौंफ खाते हैं ना डाइजेशन के लिए तो इनकी एक लिकर आती है वो ये लोग अमारो हो गया और एक और मुझे हमने वो ये खाना खाने के बाद पीते हैं थोड़ा सा हाँ अच्छा है अच्छा मतलब भैया सारे इसी मतलब लिमिट में ही है हां लिमिट लिमिट में ही है सब कुछ हां और वाइन को ये लोग अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं अच्छा अच्छा हां मैंने ये भी देखा मतलब शायद इटली में कहीं पे वो खाने के साथ भी वाइन लेते हैं हां खाने के साथ लेते हैं वाइन कॉमन ओके वाइन क्या है वाइन ग्रेप्स तो का है और क्या कुछ बना हुआ ग्रेप्स का हां हां राइट राइट

चलो या घूमने ही चले चलेंगे हम ब्लॉग कर लेंगे और क्या मोहाली की बहुत टाइम से खाया अरे बिल्कुल ठेलो ठेले वेले का खाना <laughs> तो थोड़े पेट में खराब नहीं हुआ बहुत दिन से फूड पॉइजनिंग बहुत दिन से नहीं हुआ मन कर थोड़ा हो जाए तो ठेले वेले का थोड़ा खाएंगे चलो ओके चलो डन फिर पक्का फिर करते हैं फिर <laughs> ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय